जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे फर्स्ट 101 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको इंशाल्लाह 40-45 क्वेश्चन और आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें ये है कि आप लोगों को कंफर्म आंसर भी देंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक बेल होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो काइंडली प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाया करें। विच इज़ द फॉलोइंग्स हैज़ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ? अच्छा, बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे भी आप लोगों को लेके चलता हूँ। लॉन्गेस्ट वेव कौन सी होती है? जब आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसको फ़ोन जो है सिग्नल कैच कर रहा है, ठीक है, यानी ये रेडियो वेव्स हैं। क्या है? रेडियो वेव्स। तो साउंड वेव्स क्या था? ये वो कहता है लॉन्गेस्ट, दूर तक। अब देखिए खंबे कहाँ लगे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन सिग्नल कहाँ से कैच कर सकते हैं वो मोबाइल? तो बट अगर आप साउंड लगाएंगे तो साउंड के पास जाएंगे तो आवाज़, जैसे कोई स्पीकर चल रहा हो उसके पास जाएंगे तेज़ आवाज़, पीछे जाते जाएंगे कम। एक्स रेस भी कम होती हैं, तो अल्फा रीड रेस जो होती हैं वो भी कम होती हैं। तो लिहाजा जो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए ठीक है, आपका एमसीक्यूज बार बार आ रहा था, ये रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से नीचे चलते हैं। ये मैंने सारा सर्च करके लगाया हुआ है, तो ये चार्ज वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ रहा था। तो इसका जो है ना, इस पे चार्ज जो होता है आयरन चार्ज होता है, आयन चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है चार्ज। ये आपने बात याद रखनी है, कौन सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है, ये देखें, मैं इधर मैं सर्च कर भी चुका हूँ। ये देखें, ये चार्ज है और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। इधर मैं आपको मज़ीद दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सर्च, ये देखें, इसका क्वेश्चन भी है एक, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो लिहाजा ये इसका ऑप्शन जो है हमारे पास डी ठीक है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, बल्कि मैंने कर दिया है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्विज आपके पास आ रहा था, तो ये वाला। तो इसके बाद इसका जो मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाता हूँ, ये मैग्नेट फील्ड है। तो ये देखें, हाँ, एक एमसीक्यू ये आ रहा था, सेकंड रूल्स आप लोगों ने बताना था। तो इसका आंसर चार्ज था, सेकंड रूल्स था। मैं इसका भी आप लोगों को दिखा देता हूँ आंसर। का जो ऑप्शन था ना, तो वो आपका जो था वो एनर्जी था। तो आप मज़ीद जो है नेक्स्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मुझे नहीं मिला था, तो आप मज़ीद इसको सर्च की कर लीजिएगा। इसका जो है ना, मुझे आंसर नहीं मिला था। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसका जो आंसर था ये टाइम है, ठीक है। आप एमसीक्यू से गौर से पढ़ लें, इसका आंसर जो है वो टाइम है, आगे आता है, जैसे मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट ट्रांस, तो ये इसका जो आंसर है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चार्ज है आई थिंक, मसीद कंफर्म मैं कर देता हूँ। ये देख लें, आपको जो मैं एमसीक्यू दिखा रहा था ना, तो ये देखें, इसका जो है नॉट, ये चार्ज है। इसको नॉट कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर चार्ज था, यही क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट चलते हैं जी। डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा था, और इसका जो आंसर था वो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, इस कार टू टाइम, ठीक है। तो आप इसका आंसर मज़ीद भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो टाइम है। नेक्स्ट क्वीज की तरफ चलते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले के चार्ज वाला करवा चुका हूँ, इसके बाद एक एमसीक्यूस और भी है, सारे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ये वाला ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ओमला इज,
तो किसको करता है ग्राफिक, ये इसकी ये लाइन है इसको करता है, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये ना पैराबोला पे करता है ना हाइपरबोला पे करता है, और इसके बाद ये इसका आंसर जो है ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर करता है। मज़ीद इसको कन्फर्म हम कर देते हैं जी। रिये स्टूडेंट्स आप इसके अंदर आंसर देखें तो ये देखें, ये पड़ा हुआ 5 नंबर वाला, तो ये इसका आंसर है, ये स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमने सर्च किया है तो उसका आंसर ये आ रहा है। अगर आप मज़ीद इसको देखें तो फिर ये देखें, यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ से हाईलाइट भी कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, ये देखें यहाँ, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, ये सारा के सारा कवर हो गया, ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्विज नंबर 7 देखें, ये फोर्स चार्ज है और ये प्रैक्टिकली तौर पे ये ज़ीरो होती है, तो और ये अगर हम देखें प्रोजेक्टेड पे तो फिर इसका एंगल क्या होगा, तो एंगल इसका जो है ज़ीरो है, आप देखेंगे तो आंसर आपको कन्फर्म कर देते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स अगर ये देखें आप MCQs, तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट्स के अंदर ये देखें आपका क्या दिया गया आंसर, ज़ीरो, इस ज़ीरो चार्ज, तो आंसर जो है आप लोगों का ज़ीरो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें दी टोटल एनर्जी आप लोगों की NLC करंट जो है 5.0 × 10⁻⁶ है और 25 mAh है, तो मैक्सिमम करंट इसके कितना होगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन तो नहीं की, मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो इसका 10 mA जो है आ रहा था, मैं आपको दिखा भी देते हैं। वैसे जो है 20 लगाया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है 10 एम्पायर है, ये आप लोग देख लें। इसी तरह से बिल्कुल आपकी कोटेशंस हैं और 10 एम्पेयर आप लोगों का mAh, सॉरी इसका करेक्ट जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी, एक क्वेश्चन ये आया था तो इसका जो आंसर था आप लोगों के सामने ये ब्लैक किया भी गया, आप लोग देख लीजिएगा, तो ये इसका जो आंसर वो शो कर रहा था, तो आप ये भी MCQs जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये कौन सी मतलब आप लोगों की वेव है, ठीक है। अब एक और फाइल मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें मैं बताऊँगा नहीं, तो वो आप लोगों ने खुद उसकी प्रिपरेशन करते रहना है। I'm
जी डी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज थे वो हमने आपको शेयर किए। अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के जो है उसको क्लिक कर दें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।